एक नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा था, जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामू रोज गांव की सभी भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगल में ले जाता। जंगल में स्थित एक पर्वत था। इस पर्वत की चोटी पे एक विशाल पेड़ था। रामू इस पेड़ की छांव में गाना गाता और अपनी सारी भेड़ बकरियों पे नजर भी रखता। शाम होते ही रामू बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए उसे एक सिक्का मिलता। ये सिक्का रामू घर ले जाता। माँ, बहुत भूख लगी है, चीनू चलो खाना खाते हैं। क्या माँ, रोज वही रोटी चटनी? चीनू, ऐसे नहीं बोलते। रामू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, जिससे कम से कम हम भरपेट खाना खा पाते हैं। ये लो माँ, आज की कमाई, हो सके तो चीनू के लिए कुछ अच्छा बना देना। रामू हर दिन भेड़ बकरियों को चराने पर्वत ले जाता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाता। एक दिन रामू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पर्वत आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा पर्वत पे स्थित विशाल पेड़ को काट रहा था। ये देख रामू चिंतित हो गया। रामू को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा कि उसे पेड़ को बचाना चाहिए। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले एक ऋषि मुनि ने इस पेड़ को चुड़ैल का श्राप दिया था। इस पेड़ पे एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जो भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है वो उसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे को गिरता देख रामू हंसने लगा। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। एक मामूली घंटी, पर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं, जादुई घंटी है। इस घंटी के मदद से तुम जो खाना चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया, मतलब अब कभी मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन रामू, ये याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन में केवल एक ही बार हो सकता है। शुक्रिया। जादुई घंटी लेकर रामू खुशी खुशी घर आया। माँ देखो, देखो मुझे क्या मिला है। ये क्या? ये तो एक मामूली सी घंटी है। इस घंटी का आप क्या करोगे भैया? अरे चीनू, ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इस घंटी के मदद से हम जो चाहे वो खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? चलो मांगते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या खाना है चीनू? मुझे रोटी, चावल, पनीर, दाल और जलेबी खानी है। ये तो सच में जादू है। देखा, मैंने कहा था ना माँ। फिर क्या था, रामू रोज खुशी खुशी भेड़ बकरियां चराने जाता, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं रही। एक दिन रामू को बहुत भूख लगी थी और वो घर आया। घर आके उसने देखा कि चीनू ने पहले ही खाना मंगा लिया है और लगभग सब खत्म हो चुका है। उसने फिर से घंटी बजाई, पर इस बार कुछ भी नहीं आया। तब उसे वो बात याद आई कि जादुई घंटी केवल दिन में एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। अपनी भूख और खाली बर्तन देखकर रामू को थोड़ा गुस्सा आया। उसने ये सोचा कि उसे ये घंटी अपनी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने निर्णय लिया कि कल से जब वो पर्वत पे जाएगा तो जादुई घंटी अपने साथ ले जाएगा। रामू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और यहाँ घर पे चीनू और उसकी माँ घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तब माँ बेटे बैठकर रामू की राह देखने लगे। शाम हो गई और रामू आ गया। रामू को देखकर, भैया बहुत भूख लगी है और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे यहाँ है।
तुम इसे अपने साथ ले गए? पर क्यों? बेचारा चीनू सुबह से भूख के मारे तड़प रहा है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो माँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने आप से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।